नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी कि नित्यानंद राय आज बिहार में हाजीपुर के आसपास औचक निरीक्षण कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया और वहां पर चल रही गतिविधियों का जायजा लिया। जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने मीडिया से ये बताया कि हमने तमाम तरह की यहाँ चल रही गतिविधि, जिसमें कि अस्पताल में कर्मी किस तरीके से काम कर रहे हैं, बेड की ऊपर उपलब्धता कैसी है, इन सभी चीजों पर बारीकी से नजर डाला और ये देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं रह गई है। हालांकि मंत्री जी ने यह भी कहा कि जो भी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, जो निर्माणाधीन हैं, उनको लेकर के उन्होंने आला अधिकारियों से और संबंधित विभागों से बात की है और उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन कामों को पूरा कर लिया जाएगा ताकि बिहार की जनता को किसी तरीके की मुश्किल का सामना न करना पड़े। पहले आप ये वीडियो देखिए। आवश्यकता के अनुसार काम प्रगति पर है। पीपो जो पहले से यहाँ स्थापित था उससे अतिरिक्त बेड बढ़ाए जा रहे हैं और 25 पीपो बेड की व्यवस्था हो गई है। इसमें प्रयास किया जा रहा है कि कुछ और बढ़ जाए। जो यहाँ अब नए भवन तुरंत बनाकर पीपो बनाने में, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से नहीं बन सकता है, लेकिन इस कैंपस में और अधिक पीपो वार्ड बढ़ाने का प्रयास से साफ कर रहे हैं। विधायक जी इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं। मैडम भी बड़ी तत्परता से बात हुई थी डीएम से, तो वो भी बोली कि हम लगे हैं और हम भी आज देखने आए थे कि उसकी प्रगति क्या है। तो प्रगति है, 10 से 25 की क्वार्ड बन गया, यह प्रगति है। 25 से और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ सदर हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री केयर फंड से यहाँ ऑक्सीजन लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में एक बिहार सरकार की अनुमति से उसके देख रेख में एक प्राइवेट कंपनी पर डे 1500 गैस सिलेंडर बनाने का यूनिट लगा रही है। इसी जिला में बघवाड़ा में मेरे सांसद निधि से एक ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है। कोविड के समय भी थी यहाँ लगभग 100 बेड का एक और 60 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था। ईश्वर नहीं करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन जितनी आवश्यकता कोविड से संक्रमित लोगों को बेड की या अस्पताल में इलाज की ज़रूरत पड़ी, वह कोविड हॉस्पिटल से मिला है। या अपना जिला प्रशासन, सामाजिक लोग, सामाजिक संस्थाएं और यहाँ के सभी माननीय विधायक, सभी यहाँ के सांसद और हाजीपुर के विधायक भी तो इसकी पूरी देख रेख ही कर रहे हैं। तो एक संतोषप्रद स्थिति है। तो जिस प्रकार से आगे अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर भी हिंदुस्तान में अपना प्रकोप बढ़ा सकता है, उसके हिसाब से वैशाली जिला में तैयारी चल रही है। तैयारी संतोषप्रद। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बाकी इस खबर को कोई नई अपडेट अगर आती है तो उसको लेकर के न्यूज पीआर सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तब तक मुझे दे इजाजत और देखते रहे न्यूज पीआर।